Hello everyone, welcome to another Fan to Play Fantasy match preview. We are doing this for last year's finalist. It's Gujarat versus Rajasthan and the game will be happening at Sawai Mansingh Stadium. Through the preview, we'll cover your Dream 11 base team. We'll also cover, apart from that, your Grand League options. And then we'll go to the Exchange 22 and Rario picks. How are you doing, Nikhil bhai? And what do you feel about the game? Yes, should be a good game, big game. Two buddy teams, a lot of heated contests, lot of matchups to discuss. But again, कुछ कुछ चीजें जो obvious हैं, दोनों टीम के obvious players ही bat कर रहे हैं, obvious options ही weak ले रहे हैं. तो let's see how the base team pans out. Yes, absolutely. So on that note, चलते हैं आज की base team की तरफ. So you must be wondering why we're not discussing pitch conditions, because ये वैसा ग्राउंड है जहाँ पे वेन्यू विल बी वेर द पिच रिपोर्ट ऑन द डे विल बी द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. बट ऑब्वियसली बेस टीम स्टार्ट करने के पहले एक बार आप ग्राउंड डायमेंशन देख सकते हो फॉर योर रेफरेंस. 68 and 68 मीटर स्क्वायर, वाइल स्ट्रेट इज स्लाइटली लॉन्गर एट 71-75 मीटर्स. सो नॉट टू मच टू रीड इन टू एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट की स्पिनर्स माइट बी एबल टू एंजॉय विद द फैक्ट दैट डायमेंशन आर लॉन्ग. बट टोटली डिपेंड करता है कि कैसा वेन्यू है, कैसा ट्रैक है. तो निखिल भाई, एनी थॉट्स ऑन द पिच और वी कैन गेट स्ट्रेट टू द बेस टीम? नहीं, बस ऐसा ने कहा पिच रिपोर्ट प्लीज ध्यान से देखना. पॉसिबिलिटी है पिछले दोनों गेम्स साइड बैटिंग फर्स्ट इज वन, सो देयर इज इनफ हिंट फॉर यू कि इट डज गेट टू स्लो डाउन. तो वो चीज देख के फिर आगे बढ़ना. रात का गेम है तो ड्यू है, बोल रहे सब सुन. Nikhil bhai's network is little bit up and down. Nikhil bhai hotspot needed, but yes, we'll look at the base team till he fixes that up. We'll start straight with the keeping section, and yahan pe Josh and Sanju ban jate hain sabse obvious choices. Obviously you have Ridhiman Saha also as an option, but ye baat zarur yaad rakhiyega ki he'll be up against Bolt unko teen baar out kar chuke hain pehle, and strike rate bhi sirf 100 ka hai. To agar kuch bhi movement hogi start mein to Bolt उसका पूरा एडवांटेज लेकर वो विकेट निकालने की पूरी कोशिश करेंगे. निखिल भाई, एनी थॉट्स ऑन साहा? बिकॉज कीपिंग से तो काफी पॉइंट्स देते आ रहे हैं. ओके, टिल ही रिकनेक्ट. सो वी विल लुक एट द बैटिंग सेक्शन. ये बैटिंग सेक्शन ऐसा है जहां पर दोनों टीम के बैटर्स थोड़े अप एंड डाउन है. जायसवाल एंड गिल ही सिर्फ वो दो चॉइसेस है जिन्होंने कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न्स दिए, बाकी सारे बैटर्स अप एंड डाउन चले हैं. निखिल भाई, वाज गोना आस्क यू, आपको क्या लगता है अबाउट साहा? बिकॉज़ इवन दो बोल्ड के सामने मैचअप है, कीपिंग से तो बहुत सारे पॉइंट्स दे रहे हैं. सो हाउ डू यू ट्रीट साहा एज द ऑप्शन हियर? बिल्कुल, आई थिंक और वो कीपिंग वाले पॉइंट्स मिस भी नहीं होने चाहिए. और अगेन द प्रॉब्लम इज ऐसा कोई दूसरा बैटर नहीं है जिसने उतनी कंसिस्टेंसी दिखाई हो कि आप साहा का कीपिंग पॉइंट छोड़ने के लिए रेडी हो जाएं. तो अगेन, अगर आपको लगता है कि ज्यादा विकेट्स, देखो गुजरात की जैसी टीम में विकेट्स तो ले रहे हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ रीजन टू नॉट टेक हिम इन टर्म्स ऑफ कीपिंग पॉइंट्स एज वेल. बट या, अगर आपको लगता है कि नहीं बोल्ड जल्दी निकाल लेगा और ज्यादा विकेट नहीं लेंगे गुजरात, तो फिर देन यू कैन इजिली ड्रॉप हिम एंड टेक समबडी एल्स. तो अगेन, लॉजिक आपका पूरा खुद का है और वो लप्पे माने जाएंगे, दैट्स हाउ वी प्लेस इन द पावर प्ले. तो अगेन, इट्स योर कॉल वेदर दोस रिस्क विल कम ऑफ और नॉट. Yes, absolutely. So that's the keeping section. Batting, जैसे mention किया, these are the two batters जिन्होंने consistently form दिखाया. Obviously, David Miller is a very tempting choice to try, but depend करता है कि क्या scenario है, पहले batting कर रहे हैं वगैरह वगैरह. While all rounders में हम गए हैं with Hardik Pandya and Ashwin. याद रखना, Ashwin also has a lot of key matchups in this game. Ashwin will trouble Miller a bit, and Chahal also has troubled Miller a bit in the past. Nikhil bhai, any thoughts on picking Vijay Shankar, Jason Holder, any other left field choice? नहीं, अभी के लिए तो मैं नहीं करूंगा, पर I'm also keen to see whether Zampa plays or Holder plays. If in that is the question, तो Zampa खेलेंगे तो मैं Zampa को लूंगा. Holder फॉर्म इतना अच्छा नहीं अभी लूंगा. तो और गुजरात जैसी टीम है, they don't lose a lot of wickets at times. तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Even versus Delhi, when they lost, शुरू में विकेट गिरे, पर उसके बाद Hardik was able to stem the flow of wickets at least. तो again, that is how you have to think. आपको जो लगता है best matchup होगा, उसके हिसाब से आप उनमें से किसी को based on the conditions ले सकते हो.
यस एब्सोल्युटली। तो ये हो गए ऑलराउंडर्स एंड बोलर्स में हमने लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट चॉइसेस, बोल्ट, शमी, नूर, राशिद खान और युजवेंद्र चहल। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास थोड़े और ऑप्शन है, जैसे निखिल भाई ने कहा जैम्पा है, राशिद एक जीएल कैप्टेंसी ऑप्शन भी बन सकते हैं, जॉस बटलर को काफी बार आउट करके आ रहे हैं, प्लस स्ट्राइक रेट जॉस का 80 के नीचे है इनके सामने, जो एक रैरिटी है फॉर दैट क्लास ऑफ प्लेयर, मतलब वो मैचअप में एक्चुअली कुछ सॉलिडिटी है। वाइल कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आर हार्दिक एंड जॉस, क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर ट्रैक अच्छी होगी बैटिंग के लिए तो ये दोनों जो प्लेयर्स हैं आपको अच्छे पॉइंट्स लाकर दे सकते हैं। और बिल्कुल देखो, आप जाना चाहोगे विद राशिद, विद शमी, विद बोल्ट एज वेल। अगेन, अगर आपको लगता है कि बॉलिंग हैवी है, पर अगेन वो आपकी गट फील पे और आपके विजुलाइजेशन पे होना चाहिए। शमी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं तो ही कुड गेट बटलर आउट एज वेल, बट एंड अगेन सेम इज द केस विद जायसवाल। पर तो इट इज ऑल बेस्ड ऑन द कंडीशंस, और आपको क्या लग रहा है कि कौन कहाँ पे कैसे यूजफुल होगा। ये गेम में मोस्ट लाइकली आपको काफी कॉमन टीम्स दिखेंगी, तो बैक योर गट फील बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड, क्योंकि बहुत मैचअप यहाँ पे एक दूसरे को काट सकते हैं, बट आप भी लोगे तो इट कैन कैंसिल देम आउट एज वेल। सो जस्ट बी वेरी श्योर ऑफ योर विजुलाइजेशन, और हाँ, फॉर्म से मस्ती मत करो, बाकी जो होगा वो तो देखा जाएगा। यस एब्सोल्युटली। तो ये रही हमारी आज की बेस टीम, अब चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ। गो फॉर इट सर। तो ग्रैंड लीग ऑप्शन में मेरी सबसे पहले ऑप्शन होंगे संदीप शर्मा। हर मैच में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। पिछले मैच में कुलदीप सेन को ट्राई करा था उन्होंने एंड एंड में, बट फिर होल्डर को डालना पड़ा, तो मुझे लगता है दे विल गो बैक टू संदीप बॉलिंग टू इन द एंड ओवर्स। अगर वैसा है तो मैं संदीप को डेफिनेटली बैक करूंगा। अगर वो शुरू में तीन डालने वाले हैं तो शायद किसी और तरीके से सोचें, तो वो एक एक एस्पेक्ट आप ध्यान में रखें। तो फ्रॉम आर आर आई बैक संदीप शर्मा, एंड फ्रॉम गुजरात आई एम वेरी टेम्पटेड टू बैक राशिद खान। वो ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो 0 for 54 के बाद चुप रहे या शांत रहे। ही वॉन्ट टू कम गुड एंड कम गुड रियली वेल एंड मेक इज इम्पैक्ट। और पिछले गेम में मुझे लगा जो यूसेज था, अगेन ही बोल्ड वेल पर विकेट्स नहीं मिले उन्हें, तो यूसेज का भी थोड़ा कंसर्न था। मुझे लगा कि हार्दिक ने नूर और राशिद को साथ में बॉलिंग कराई तो उतनी इफेक्टिवनेस कभी कभी नहीं होती, क्योंकि बैटर प्रेशर में नहीं था, मतलब बैटर रिस्क नहीं लेने वाला था। तो अगेन राजस्थान जैसी टीमें दी कीप गोइंग, पिछले टाइम संजू सैमसन हिट हिम फॉर 3 sixes, तो देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन दैट मैचअप एज वेल। तो इसके लिए मैं राशिद और संदीप दो बोलर्स के साथ जा रहा हूँ जिनके 4 4 ओवर कन्फर्म होने चाहिए। यस फेयर इनफ, वेरी इंटरेस्टिंग कॉल। तो मेरे एक चॉइस ऐसे हैं जो अब तक ये सीजन खेले नहीं है, बट मुझे जो लग रहा है जैसे जॉश लिटिल का फॉर्म है, मुझे लग रहा है कि इस गेम में अगर शिवम मावी फिट एंड फुल्ली ठीक रहे तो खेल सकते हैं। संजू सैमसन को आई थिंक 5 बार आउट कर चुके हैं पहले, एंड ऐसे ट्रैक पे जहाँ पे बैटिंग फेवरेबल है, जो बंदा गुड लेंथ पे आके वो बार बार हिट करके चेंज ऑफ पेस के साथ एंड में आ सकते हैं, वो काफी की हो सकते हैं। स्पेशली क्योंकि हमें पता है ये बात कि गुजरात की जो वीकनेस है वो डेथ बॉलिंग है, क्योंकि यहाँ पर डेथ में ही रन बने हैं गुजरात के जो ग्राउंड पर, वो इसलिए क्यों बने गुजरात के ग्राउंड पर क्योंकि गुजरात ही 7 गेम वहाँ खेलती है, तो जो डेथ बॉलिंग है उनका कंसर्न है। एंड शमी पावर प्ले में डाल रहे हैं, लिटिल जो डाल रहे थे डेथ में उनसे निकल कर नहीं आ रही बॉल जैसे उन्हें लगा था, तो मुझे लग रहा है कि मावी ये गेम खेल सकते हैं, एंड मे बी वो फॉरनर स्लॉट ओडीन या शनाका को चला जाए। वाइल में दूसरे पिक है मेरे, अगर मावी ना खेले होंगे डेविड मिलर, आई थिंक बड़ा नॉक ड्यू है उनसे, एंड ये जैसी जैस जैसे आ, आ, जैसी राजस्थान की डेथ बोलेंगे वापस, वही वो भी एक कंसर्न पॉइंट है, एंड ये फिनिशिंग ऑर्डर में आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये जो गेम होगा दोनों टीम्स के लिए डेथ फेज में ही डिसाइड होगा, हेंस मिलर होंगे मेरी दूसरी चॉइस। बिल्कुल, काफी फेयर है। आपको अगर अश्विन 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 चहल जाम्पा ट्राई करें तो आप कर सकते हो, यू कैन ट्राई नूर अहमद एज वेल। ये गेम जैसे मैंने कहा बॉलिंग लाइनअप ज्यादा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू बैटिंग, क्योंकि बैटिंग में कुछ ही लोगों ने परफॉर्म करा है, तो प्लीज बैक योर विजुलाइजेशन बेस्ड ऑन द पिच रिपोर्ट। यस एब्सोल्युटली। सो ये हो गई हमारी आज की बेस टीम फॉलोड बाय ग्रैंड लीग ऑप्शन, एंड अब चलते हैं एक्सचेंज 22 पिक्स की तरफ इस गेम में। तो ये गेम होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम पर, एंड वी विल स्टार्ट विद निखिल भाई पिक्स फ्रॉम राजस्थान। निखिल भाई क्या लगता है आपको कौन होंगे आपके की पिक्स? यार मैं वापस बायस्ड हूँ और मैं सीधा सीधा बॉलर के साथ जा रहा हूँ, संदीप शर्मा 22 पे, 1 विकेट
तो मिनिमम एक्सपेक्ट करते हो आप उससे, तो जैसा हमारा बेंच मार्क है 2 विकेट का, तो आई थिंक ही क्वालिफाइज इन अ गुड वे. 22. चहल, अगेन चहल का यूसेज थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, पर अगर आपको लगता है कि 2 विकेट ले लेंगे चहल, तो आप चहल पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो. 13 पॉइंट्स इज नॉट अ बैड थिंग टू गेट प्रॉफिट ऑन, तो मुझे लगता है वो फेयरली प्राइज है. इसके बाद एवरीबडी देन आई फील इज एडिक्वेटली प्राइज फ्रॉम दिस, फ्रॉम राजस्थान एटलीस्ट. बैटर पे यस, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो बैटर पे रिस्क हमेशा आप ले सकते हो. यस फेयर इनफ. माई पिक्स सिमिलर फ्रॉम राजस्थान बट फ्रॉम गुजरात. आई थिंक मोहित शर्मा कैन बी अ वर्दी चॉइस. अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं 21, आपको 1 विकेट से ही वो कॉस्ट ऑलमोस्ट ला देंगे वापस. वाइल लिटिल हैज बिन अ क्यूरियस केस क्योंकि फॉर्म उनका चला नहीं है, सो स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट फॉर नाउ. एंड व्हेन यू लुक एट द बैटिंग सेक्शन, निखिल भाई, द लास्ट टाइम वी हैड डन राजस्थान गुजरात गेम प्रीव्यू, पिक्ड अप राहुल टेवटिया एट 15, एंड उन्होंने वही गेम में या तो नेक्स्ट गेम में 3 छक्के मार दिए. बट दैट टेल्स यू कि व्हेन यू आर बैटिंग एट दैट पोजीशन एंड व्हेन यू गेट टू फील्ड, 15-16 पॉइंट्स कैन स्टिल बी कवर्ड वेरी वेरी इजिली. सो ऑब्वियसली रिस्की चॉइस है, बट इट्स ऑलवेज इट्स दैट लो हैंगिंग फ्रूट, इट्स टेम्पटिंग, बट यू हैव टू डिसाइड कि अगर आपको लग रहा है उनकी बैटिंग आएगी 10-15 बॉल करेक्ट, तो काम हो जाएगा आपका. बिल्कुल. तो वही जैसे मैंने टेवाटिया का वही रिस्क कहा था कि बॉलिंग भी करी उन्होंने एक किसी गेम में, पर विकेट नहीं मिली. पर अगेन वैल्यू है, इट इज जस्ट अपॉन हमारा विजुलाइजेशन क्या है कि कैसे चलेगा. एंड यस, गट फील पे जाओ, बाकी डेटा तो है, मतलब टीम जेड डेटा यूज नहीं कर रही है, तो हम बहुत ज्यादा डेटा यूज करके क्या ही कर लेंगे. Yes, very, very true. So that's our exchange 22 picks for today. Thank you so much, Nikhil bhai. And now we'll look at the Rario picks. The mega match is back for the Rario game. And because we know that the last game got rained out because of the inclement weather in Lucknow, वापस उन्होंने मेगा मैच ले आए हैं आपके लिए, जिसमें 80 लाख होगा प्राइस पूल चेन्नई वर्सेस मुंबई की गेम में, एंड फर्स्ट प्राइज होगा 5 लाख. सो अ वेरी गुड चांस फॉर यू टू गेट सम बिग रिवॉर्ड्स. एंड यहाँ आप देख सकते हो कि नेक्स्ट गेम यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो होगी राजस्थान एंड गुजरात की. सो स्टार्ट करते हैं मेरे पिक से इन द ब्लैक सेक्शन. सो यहाँ पे आई थिंक राशिद खान मेरे लिए अब तक बेस्ट चॉइस होंगे. थोड़े पॉजिटिव मैचअप्स भी हैं एंड फुल 60% एक्सपी का कार्ड है मेरे पास, तो अच्छा यूज होगा उनका. साथ साथ में जेसन होल्डर टोटली डिपेंड्स कि वो वापस आके खेल रहे हैं, क्या फॉर्म है. बट ट्रेंट बोल्ट मेरे लिए होंगी दूसरी चॉइस यहाँ पे. आई थिंक काफी टेम्पटिंग पिक है इस सेक्शन में से, एंड जो उनके मैचअप्स है गुजरात के सामने आई थिंक काफी काम आ सकते हैं. वाइल मेरे लास्ट पिक जो मेरे ग्रैंड लीग पिक है होंगे डेविड मिलर. आई थिंक वापस बहुत ही अच्छी चॉइस है एंड फिनिशिंग करके गए मेरे लिए, तो काफी अच्छा काम हो जाएगा. याद रखना ये कार्ड्स आप आगे भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आईपीएल में एक्सपायर हो जाएंगे. आप इंटरनेशनल में यूज कर सकते हो, आगे जो दूसरी लीग होगी वहां पे यूज कर सकते हो. यहाँ पे मैंने कॉन्टेस्ट कर लिया है ज्वाइन, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब तक 167 टीम्स ही ज्वाइंड है एंड प्राइजेस है 450 रैंक तक, 640 रुपीज मेरे गारंटीड है. एंड अब तक पूरे सीजन में ये लीग कभी भी नहीं भरी है, तो अच्छा चांस है कि ये बार भी 640 तो मैं मिनिमम ले ही जाऊंगा, अनलेस राशिद भाई के कुछ अलग आइडियाज हो एंड मुझे और ऊपर ले जाए. बट ये हो गए मेरे आज के पिक्स. एंड साथ साथ में याद रखिएगा, डू साइन अप विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको मिल जाएंगे 1600 रुपए साइन अप बोनस, जिसको आप यूज कर सकते हो पूरा पैक्स बाय करने में. वो वाला बोनस नहीं है जहाँ 1-2% यूज होता है, फुल 50% आप यूज कर सकते हो. तो जल्दी से जाइए रायो पर, साइन अप करिए, एंड आई होप टू सी यू ऑल वेरी सून फॉर द नेक्स्ट प्रीव्यू. थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन, एंड डू स्मैश द लाइक बटन.